द्रविड़ कड़गम आंदोलन का लक्ष्य है इस आर्य ब्राह्मणवादी और वर्ण व्यवस्था का अंत कर देना, जिसके कारण समाज ऊंच और नीच जातियों में बांटा गया है। यह आंदोलन उन सभी शास्त्रों, पुराणों और देवी देवताओं में आस्था नहीं रखता जो वर्ण तथा जाति व्यवस्था को जैसे का तैसा बनाए रखे हैं। ब्राह्मणों ने हमें शास्त्रों और पुराणों की सहायता से गुलाम बनाया है। उसने अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए मंदिर, ईश्वर और देवी देवताओं की रचना की। हमारा देश तभी आजाद समझा जाएगा जब ग्रामीण लोग देवी देवता, धर्म अधर्म, जाति और अंधविश्वास से छुटकारा पा जाएंगे। विदेशी लोग दूसरे ग्रहों पर अंतरिक्ष यान भेज रहे हैं, जबकि हम श्राद्धों में ब्राह्मणों के द्वारा परलोक में बसे अपने पूर्वजों को चावल और खीर भेज रहे हैं। क्या यह बुद्धिमानी है? ब्राह्मण देवी देवताओं को देखो, एक देवता हाथ में भाला त्रिशूल उठाकर खड़ा है तो दूसरा धनुष बाण, अन्य दूसरे देवी देवता कोई गुर्ज, खंजर और ढाल के साथ सुशोभित हैं। यह सब क्यों है? यह किसको मारने के लिए है? उन देवताओं को नष्ट कर दो जो तुम्हें शूद्र कहे, उन पुराणों और इतिहास को ध्वस्त कर दो जो देवता को शक्ति प्रदान करते हैं। उस देवता की पूजा करो जो वास्तव में दयालु, भला और बौद्धगम्य है। संसार का अवलोकन करने पर पता चलता है कि भारत जितने धर्म और मत मतांतर कहीं भी नहीं है। यही नहीं, इतने धर्मांतरण, धर्म परिवर्तन दूसरी जगह कहीं भी नहीं हुए हैं। यह इसलिए कि निरक्षर और गुलाम प्रवृत्ति के कारण भारतीयों का धार्मिक शोषण करना आसान है। आर्यों ने हमारे ऊपर अपना धर्म थोपकर असंगत, निर्थक और अविश्वनीय बातों में हमें फांसा। अब हमें इन्हें छोड़कर ऐसा धर्म ग्रहण कर लेना चाहिए जो मानवता की भलाई में सहायक सिद्ध हो। ब्राह्मणों ने हमें शास्त्रों और पुराणों की सहायता से गुलाम बनाया है और अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए मंदिर, ईश्वर और देवी देवताओं की रचना की। सभी मानव एक हैं, हमें भेदभाव रहित समाज चाहिए। हम किसी को प्रचलित सामाजिक भेदभाव के कारण अलग नहीं कर सकते। समय बदल रहा है, ब्राह्मणों को नीचे आना होगा, तभी वे आदर से रह पाएंगे, नहीं तो एक दिन उन्हें बलपूर्वक और देशाचार के अनुसार ठीक होना होगा।